वेलकम टू सीआर गुरुकुल। मैं हूं सिमरन और आज हम पढ़ेंगे क्लिनिकल ट्रायल्स की हिस्ट्री के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री का सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल किसने परफॉर्म किया? क्या आप जानते हैं कि कौन फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स कहलाते हैं और किस दिन को हम इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लिनिकल ट्रायल्स सबसे पहले 605 BC में परफॉर्म हुआ था। ये क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बुक ऑफ डेनियल में मेंशन है। हालांकि ये क्लिनिकल ट्रायल किसी भी डॉक्टर या किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी फिजिशियन ने नहीं किया था, बल्कि ये क्लिनिकल ट्रायल एक किंग ने किया था, नेबुकदनेज़र। हालांकि नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन ये बेबीलोन के किंग थे। ये हिस्ट्री का अर्लीस्ट रिपोर्टेड क्लिनिकल ट्रायल है। हालांकि इस क्लिनिकल ट्रायल में कोई भी स्टडी डिजाइन या फिर कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई थी। ये एक अच्छी शुरुआत थी क्लिनिकल ट्रायल की। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो क्लिनिकल ट्रायल से रिजेंबल करता था। नेबुकदनेज़र एक वॉरियर थे और वो अपनी प्रजा को हेल्दी रखना चाहते थे, तो उन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया कि उन्होंने मीट और वाइन लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन थे, उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने नॉन वेज और वाइन लेने से मना कर दिया। नेबुकदनेज़र एक बहुत ही समझदार इंसान थे और उन्होंने गुस्सा होने के बजाय उन लोगों को बोला कि आप जो है वेजिटेरियन डाइट पे कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपने 10 डेज तक आपने जो लेग्यूम्स हैं, दालें हैं और पानी लेना है। नेबुकदनेज़र ने 10 दिन के बाद ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों ने वेजिटेरियन डाइट ली थी, उनकी हेल्थ एज कंपेयर टू नॉन वेज खाने वालों के कंपैरिजन में अच्छी थी। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि आप अपनी और अपनी प्रजा को भी बोला कि वो वेजिटेरियन डाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि आप इस चीज़ को इतना सीरियसली मत लीजिएगा। अगर आप चिकन खाना पसंद करते हैं तो आप खा सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक स्टडी थी। अब हम जानते हैं कि कौन कहलाता है फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। जी हाँ, जेम्स लिंड कहलाते हैं फादर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, क्योंकि इन्होंने 1747 में एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसे हम कहते हैं जेम्स लिंड स्कर्वी एक्सपेरिमेंट। ये मेडिकल हिस्ट्री का सबसे पहला क्लिनिकल ट्रायल था जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से किया गया था। जेम्स लिंड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कर्वी क्या होती है। स्कर्वी एक डिजीज है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। हम ह्यूमन बीइंग्स या फिर गिनी पिग्स या फिर मंकी जो होते हैं, वो विटामिन सी को बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हालांकि बाकी एनिमल्स कर सकते हैं। विटामिन सी हमें हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेस से लेना होता है और वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए या फिर हम 4 हफ्ते तक बिल्कुल भी विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, तो हमारे जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होने लगती है, हमारे जॉइंट्स पेन करने लगते हैं, हमें वीकनेस फील होती है, हमारी स्किन जो है वो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है उसकी। तो विटामिन सी हमारी स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कोलेजन प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस टाइम पे जब जेम्स लिंड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उस टाइम कोई भी विटामिन्स और स्कर्वी के बारे में नहीं जानता था। हालांकि जेम्स लिंड ने फिर भी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल किया था। जेम्स लिंड कौन थे? जेम्स लिंड एक स्कॉटिश फिजिशियन थे, ब्रिटिश नेवी के। वो जब ब्रिटिश नेवी में गए तो उन्होंने ये चीज़ देखी और उनको ये चीज़ बहुत परेशान करी कि कोई अनजान बीमारी से सेलर्स और सोल्जर्स मर रहे थे। उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वॉर की बजाय सोल्जर्स और सेलर्स किसी अनजान बीमारी से मर रहे थे। लेकिन जेम्स लिंड ये जानते थे कि ये बीमारी उनको हो रही है जो बहुत लंबे टाइम से सेल बोट्स पे या शिप्स पे रहते हैं, और जो डाइट वो लोग लेते थे उसमें वो लोग ब्रेड्स और बॉइल्ड बिस्किट्स वगैरह खाया करते थे।
उन्हें जेम्स लिंड को ये लगता था कि जो डिजीज उन लोगों को है वो डिजी बॉडी की सेल्स की प्यूट्रिफिकेशन की वजह से हो रही है, सेल्स के गलने की वजह से हो रही है। हालांकि वो ये जानते थे कि जो डिजीज है वो एसिडिक चीजों को खाने से या एसिड से ठीक हो सकती है। जेम्स लिंड ने एक क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने का सोचा। हालांकि ये वर्ड बाद में आया क्लिनिकल ट्रायल, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया था। जेम्स लिंड ने 20 मई 1747 में 12 सेलर्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया। जेम्स लिंड ने हमने देखा कि उन्होंने 12 सेलर्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जिनके कॉमन सिम्टम्स थे। सपोज कीजिए अगर आपको नहीं मतलब अगर किसी सेलर को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी तो उन्होंने उनको एक ग्रुप में डाला, अगर किसी को गम प्रॉब्लम थी तो उन्होंने उसको दूसरे ग्रुप में डाला। ऐसे करके उन्होंने 6 ग्रुप्स बनाए जिसमें हर ग्रुप में 2 सोल्जर्स या सेलर्स थे। जो पहला ग्रुप था उन्होंने उनकी ग्रुप की डिवीजन से पहले उनका डाइट एक कॉमन डाइट वो लोग लिया करते थे, लेकिन एडिशनली जेम्स लिंड ने उन्हें कुछ चीज़ें देना शुरू की। सबसे पहले ग्रुप को उन्होंने विनेगर दिया वंस अ डे, दूसरे ग्रुप को उन्होंने एलिक्सियर दिया जो कि 2-5 ड्रॉप्स वो देते थे रोज उन्हें। एलिक्सियर एक लिक्विड है जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उस टाइम दिया जाता था। तीसरे ग्रुप को उन्होंने सी वाटर दिया, रोज एक ग्लास सी वाटर देते थे। चौथे ग्रुप को उन्होंने कुछ स्पाइसी चटनी या ऐसा कुछ खाने को दिया। पांचवे ग्रुप को उन्होंने लेमन्स या फिर ऑरेंजेस खाने के लिए दिए। छठे ग्रुप को उन्होंने बार्ले वाटर पीने के लिए दिया। उन्होंने ये स्टडी 4 या 5 दिन तक कंटिन्यू की। जो पांचवा ग्रुप था वो स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि शिप पे जो लेमन्स और ऑरेंजेस थे वो ख़त्म हो गए थे, तो उनको वो जो फिफ्थ ग्रुप की स्टडी थी वो वहीं रुक गई। लेकिन उस ग्रुप में कमाल के चेंजेस देखने को मिले, ना कि उनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए लेकिन वो अपने काम पे वापस चले गए। जेम्स लिंड की ये जो स्टडी थी इसने पूरी हिस्ट्री को बदल के रखा। हालांकि बहुत लंबे टाइम तक जेम्स लिंड ने अपनी स्टडी को पब्लिश नहीं किया। जब जेम्स लिंड रिटायर हुए 1753 में उन्होंने एक बुक में अपनी स्टडी के बारे में मेंशन किया था। मेंशन या पब्लिश ना करने का रीज़न ये था कि वो थोड़े से हिचकी जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने 12 लोगों पे ही ये स्टडी कंडक्ट की है और वो स्टडी को लेके श्योर नहीं थे। और जब इन्होंने ये स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए तो इन्होंने जो है ये प्रपोजल रखा गया है कि जो सेलर्स हैं उनको बॉइल्ड लेमन वाटर दिया जाए तो ये डिजीज ठीक हो सकती है। अब उस टाइम पे वो ये नहीं जानते थे कि बॉइल करने से एस्कॉर्बिक एसिड की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, तो वो कभी इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने इस बारे में, इस स्टडी के बारे में अपनी बुक में मेंशन किया था। अब जब और बुक में मेंशन करने के बाद 40 इयर्स तक उनकी स्टडी अनरिकॉग्नाइज्ड रही थी, 40 इयर्स तक, और उसके बाद किसी ने उनकी स्टडी को रिकॉग्नाइज किया और उनको लेके आए कि उन्होंने पहला क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया है। जो पहला क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म हुआ था वो 20 मई को शुरू हुआ था, इसलिए हम इस डे को इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस बुक में जेम्स लिंड ने अपने उसके बारे में मेंशन किया है, जो भी उन्होंने ट्रायल परफॉर्म किया था, ये आप जेम्स लिंड के वर्ड्स देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं।